हेलो गाइस, रिंकूज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में मैं ये लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौकी ले ली है। अब मैं इसको छिल लूँगी। मेरी लौकी यहाँ पर छिल गई है। अब मैं इसको धोकर इसे कद्दूकस कर लूँगी। तो मेरी लौकी यहाँ पर कद्दूकस हो गई है। लौकी कद्दूकस करने से पहले ही मैंने लौकी में से बीज निकाल लिए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कढ़ाई में घी ले लूँगी। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें हमारी कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे। अब मैं इसमें एक कप के करीब दूध डालूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लूंगी। आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये सूख ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा हलवा सूख गया है। अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया है और इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा खोआ डाल लूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। यहाँ मैंने लौकी के हलवे को अच्छे से भून लिया है और अब ये तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे सर्व करूँगी। तो यहाँ मेरा लौकी का हलवा बनकर तैयार है। तो अगर आप लोगों को इस लौकी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।